ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 6 Sequences and Series जिसमें के जिन टॉपिक्स को आज हम डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन। अब इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उन्हें हम रिवर्स इंजीनियरिंग के जो प्रोसेस है या मेथड है उससे सॉल्व करते हैं जी। PMCQ हम सॉल्व करते हैं जी। इसका स्टेटमेंट है कि द कांस्टेंट रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मे बी एनी नंबर नॉट इक्वल टू, यानी हमने जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझा था तो हमने कहा था एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं उनकी जो रेशियो अगर ली जाए जैसे कंपैरिजन किया जाए तो वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे 4:2 से 2 टाइम्स ग्रेटर है तो फिर 8:4 से 2 टाइम ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह 16 फिर 8 से 2 टाइम ग्रेटर, मतलब इसमें कॉमन रेशियो जो है वो एक जैसी आ रही है। अब वो कॉमन रेशियो जो है वो इनमें से कौन सा नंबर नहीं हो सकती हमें बताना है। हम ये बात जानते हैं कि कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 2 बन जाए तो देखें हमें पता होगा नेक्स्ट 2 है ये 2 है तो फिर मतलब कोई इसमें ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, ठीक है। मतलब सीक्वेंस इसमें एक मतलब आम सी बात है कि तो 2 2 2 रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन हम जब बात करते तो एक ऐसे सीक्वेंस की कह रहे होते जिसमें या तो r की वैल्यू पॉजिटिव होती है या मतलब 1 से मतलब ग्रेटर होती है या 1 से लेस होती है लेकिन 0 भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए इस बात को फिर हम यूं समझेंगे कि जो जो इसमें कांस्टेंट रेशियो है वो 1 नहीं होगी जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि रिलेटेड है ज्योमेट्रिक मीन से, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर दो टर्म्स हो, जैसे आप अगर देखें दो नंबर्स हैं जैसे 4 और -81 तो ज्योमेट्रिक मीन इनके बीच में होगी वैल्यू, ठीक है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 4 की अगर रेशियो यहां पर ली जा रही हो, ठीक है, बल्कि ज्योमेट्रिक मीन चूंकि 4 के बाद आएगा तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर रेशियो 4 से ली जा रही हो, ठीक है, तो वो इक्वल टू होगी किसके के अगर -81 की रेशियो ज्योमेट्रिक मीन से ली जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जी जी से मल्टीप्लाई होकर जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, जबकि 4 और 81 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये नेगेटिव में 324 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जारी बात है हमें यहाँ पे प्लस माइनस पुट करना होगा और 324 जो कि नेगेटिव 324 है इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बल्कि यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को कर लेता हूँ, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास चूंकि नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर रूट के लिए फिर यहाँ पर हम इसको यूँ लिख लेंगे कि -1 × 324, ठीक है, -1 × 324। अब -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और जो 324 है इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे तो 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 18 होता है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये हमने पढ़ रखा है ये एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा, तो हमारा आंसर प्लस माइनस 18 आयोटा आएगा जो कि अगर आप देखें तो इन ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे यानी नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 18 आयोटा लिखा होता तो फिर हम इसे जो है वो सिलेक्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि इस तरह से है, दी सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, देन व्हाट इज द कॉमन रेशियो। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स हैं तो उसकी अगर पहली टर्म ए होगी तो इनमें कॉमन डिफरेंस चला आ रहा है, सेकेंड टर्म क्या होगी फिर वो हमारे पास ए आर होगी, ठीक है, और उससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि सम जैसे बताया गया है वो 19 है और प्रोडक्ट 216 है तो
देखिए प्रोडक्ट में एक तो ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्यूब आ जाएगा, और इसी तरह आर और आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होंगे इनका भी क्यूब हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 216 के, ठीक है। और अब अगर मैं इनको होल क्यूब ले लूं, यानी होल क्यूब फॉर्म में लिख लूं, तो ये क्या आंसर आ जाएगा मेरा 216, जो और 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम ए आर जो है वो इक्वल टू देख सकते हैं, वो 6 के है। अब इन ऑप्शंस में 1.5 पे मुझे ज़्यादा जो है वो मतलब इस तरह से हो रहा है कि ये शायद इसका ऑप्शन बन सकता है, ठीक है, एक चांस लग रहे हैं मुझे, इसलिए कि 1.5 जो है वो किसके इक्वल होता है जी, 3/2 के इक्वल होता है। अब अगर आप देखें तो 3/2, इसलिए भी कि चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 6 बनता है और 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, ठीक है, 6 का क्यूब। तो लेकिन जब 1.25 की अगर आप बात करें तो ये 2.5 का हाफ है, 2.5, और ये 1 का हाफ है, और ये 5.5 का हाफ है, यानी इनके चांसेस कम है। अब देखें इस वैल्यू का हम इसमें अगर पुट करके देख लें यहाँ पर, कि अगर आर ये हो हमारे पास 3/2, तो 6 से 2 आकर मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, जो के बन जाती है जी 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 2 2 जा 4, 4 वैल्यू आ रही है। तो आप अगर इसमें देखें, ए अगर 4 होगा तो ए आर की वैल्यू क्या आएगी, अगर 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगी। इसी तरह अब 6 को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 टाइम 6 और 2 2 जार 4, सॉरी बल्कि यहाँ पर इसको अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमने 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के टेबल से 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 आ गया था, ठीक है। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करें 3/2 से, तो देखें 2 3 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9 होता है, ठीक है। तो ये देखें सम हमारे पास 19 ही आता है, इसका मतलब कि यही वो नंबर है कि जिनका सम जो है वो 19 है और इनका प्रोडक्ट 216 है, और ये आर की वैल्यू 1.5 लिखने या 3/2 लिखने से आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे हमारा वो एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए पावर एन प्लस बी पावर एन द ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन था ये लिखा हुआ, बिटवीन ए एंड बी, यानी एन की इनमें से कौन सी वैल्यू लिखने से ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन जाएगा। इन ज्योमेट्रिक मीन हम जानते हैं कि ये इक्वल टू होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर ए और बी हमारे पास दो मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हो, ठीक है, तो फिर उनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो इस तरह से आता है, ठीक है। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं, देखिए -1 अगर लिखेंगे हम, चूंकि हम यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करें मेथड को, तो ये ए पावर 0 और बी पावर 0 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 1/a+ मतलब 1/a+ 1/b आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं आ सकता और ना ही +1 लिखने से आ रहा है, इसलिए हम इन दो ऑप्शंस को तो पहले ही कैंसिल कर देंगे, ये हमारे ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को और डी को। अब चूंकि अगर ज़्यादा जो चांसेस हैं वो डी ऑप्शन के हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है और इसमें सिंप्लीफिकेशन के बाद स्क्वायर रूट आ सकता है, तो हम इसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ए पावर एन, एन की जगह -1/2 +1 लिखेंगे, प्लस बी की पावर में भी -1/2 +1 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय ए पावर -1/2 + बी पावर -1/2 लिखेंगे। अब देखें अगर हम यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, 1 में से ½ माइनस करें, हाफ आता है, यानी ए की पावर हाफ पॉजिटिव में आ जाएगी, बी की पावर भी हाफ में आ जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन
डिवाइजर में चूंकि इनके रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं नेगेटिव में पावर, तो ये 1 ओवर a पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर b पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा, जिसका कि अगर हम एलसीएम ले लें अगर, तो देखें यहाँ पर a पावर 1 ओवर 2 प्लस b पावर 1 ओवर 2 इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a पावर 1 ओवर 2 b पावर 1 ओवर 2। अब ये b पावर 1 ओवर 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगी और a पावर 1 ओवर 2 इससे, तो यहाँ पर a मतलब इसको मैं एक्यूमुलेटिव ला के बाद अरेंज करके भी लिख रहा हूँ, तो ये एक्सप्रेशन तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट एक जैसे आ रहे हैं, जबकि ये नंबर जो है अगर मैं यहाँ पर a पावर 1 ओवर 2 और b पावर 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो डिवाइजर इसको कैंसिल कर देगा और ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर का डिवाइजर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ, चूंकि दोनों की पावर 1 ओवर 2 1 ओवर 2 है यानी स्क्वायर रूट है, इससे हम इनको a की स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव में आ रही वैल्यू हमारे पास, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका वो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा फॉर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें इसमें से पूछा जा रहा है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 0.008 आर। अब अगर आप देखें कि ज्योमेट्रिक मीन भी जैसे एक नंबर ही है, ठीक है, यानी 5 की अगर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन से रेशियो ली जाएगी तो वो ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कि सेकंड ज्योमेट्रिक मीन की फर्स्ट से, और फिर थर्ड ज्योमेट्रिक मीन की सेकंड से, और फिर जो 0.008 है उसकी रेशियो ली जाए, मतलब उसको डिवाइड किया जाए G3 से, तो ये एक जैसे आंसर आने चाहिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में आप देखें तो एक रिजेम्बलेंस हमें मिल रही है। देखें अगर 1 को आप 5 से डिवाइड करें तो आपका आंसर 0.2 आता है, ठीक है, और फिर अगर आप 0.2 को 1 से डिवाइड करें तो आपका आंसर 0.2 आ रहा है, ठीक है, जबकि फिर जब आप 0.04 को 0.2 से मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो तब भी आंसर आपका 0.2 आता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड भी कर लें तो हमारा आंसर 2.5 आएगा, और फिर उसके बाद आप अगर 0.5 को 0.2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या आंसर आता है कैलकुलेटर से, कि अगर हम 0.5 को डिवाइड करते 0.2 से तो 2.5 ही आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ अगर इसको देखें 0.6 है, इसको अगर हम 0.5 से डिवाइड करें तो देखें अब क्या आंसर आता है कि 0.6 को हम डिवाइड करें 0.5 से, ठीक है, तो ये आंसर 1.2 हो जाता है, चेंज आ जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता ए ऑप्शन, और बी में भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सी जो है वो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो इसलिए फिर हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो इस जो रिक्वायर्ड जो या गिवन जो क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नेगेटिव 36 एंड कॉमन रेशियो इज माइनस या नेगेटिव 1/3, देन फिफ्थ टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, ठीक है, ये हम जानते हैं कि जनरल टर्म जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसमें हम ए एन इज इक्वल टू लिखते हैं फर्स्ट टर्म टाइम्स कॉमन रेशियो पावर एन माइनस वन, यानी जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक लेस। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो ये आर की पावर तो 4 आ जाएगी जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है, और किसी नेगेटिव, चूंकि आर की वैल्यू नेगेटिव है, किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब हम इवन लेते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है, और ए जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब जो जवाब है हमारा उसका साइन नेगेटिव है, ठीक है, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब सी और डी में जो है वो हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट कि इन दो में से एक हो सकता है। अब देखें, अब दूसरी बात ये कि चूंकि डिवाइजर 3 है, ठीक है, और 36
मतलब 3 के टेबल या कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 5 डिवाइजर में आ सके, ठीक है, यानी बहुत चांस है कि ये डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये आंसर हम कैसे ला सकते हैं, देखें अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ए फोर जो है वो इक्वल, सॉरी ए फाइव जो है इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब ए फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा जी, ए जो है हमारे पास वो कितना है -36, जबकि आर जो है वो -1 की पावर जब 4 लेंगे +1 हो जाएगी, और 3 पावर 4 का मतलब है कि आप मतलब 9 होता है 3 स्क्वायर, ठीक है, फिर 9 होता है 3 स्क्वायर, ठीक है जी, तो दो दफ़ा मतलब आप लिख रहे हैं 3 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी 81 लिख रहे हैं, तो 9 फोर टाइम होता है 36, और आंसर हमारा देखें -4/9 ही आ रहा है, जो कि फिर कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक क्या है जी, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है।